हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? सोनल बंसल। ओके सोनल, तो कहिए क्या परेशानी है आपकी? मैं कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंटों की लिस्ट में आती हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा खलती है जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो हो गया है। क्या इस उम्र में कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, मगर अगर है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिए। डॉक्टर, मैं अपनी शेप को लेकर टेंशन में रहती हूँ, अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। देखो सोनल, सिर्फ एक तुम ही नहीं, आजकल की ज्यादातर लड़कियां या फिर कह लीजिए महिलाएं बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मैम, मैंने इम्प्लांट के बारे में कहीं पे पढ़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है और फायदेमंद है? जब हमारे पास खुद ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हाँ, मेरे को समझी नहीं। देखो सुनन, तुम्हारे पास टेक्निक और वैरायटी बहुत है, बस उसे यूज करने की जरूरत है। आप अपनी डाइट में थोड़े से फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब इंक्लूड कर दीजिए। और हाँ, अगर अखरोट और रेड बेरी और अलसी ये सब भी ले सके तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात पूछने के लिए आपसे बहुत उत्साहित हूँ, क्या सोने के तरीके से भी फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, ज्यादातर आपको पेट के बल सोना चाहिए और आप हमेशा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का कोई टाइम टेबल है या कभी भी कर सकते हैं? जी हाँ, ये आप रेगुलर यूज कर सकती हैं आफ्टर बाथ। अगर आप मसाज करती हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। कैसे मसाज हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, आप नहाने के बाद मतलब बाथ लेने के बाद आप मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकती हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी सोनल, मैं जब आप बाथ लेती हैं तो सबसे पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ठंडे पानी का। डॉक्टर, क्या ब्रा के साइज से भी फर्क पड़ता है? वैसे मैं ब्रा के मामले में चूजी नहीं हूँ। 70% महिलाएं अपने हिसाब से ब्रा नहीं पहनती हैं, कई बार तो वो बड़ी ब्रा पहनती हैं या फिर छोटी, उसकी वजह से भी साइज में प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ ब्रा ट्राई कीजिए, छोटी और बड़ी दोनों, और जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, आप पुशअप ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉक्टर, स्पोर्ट्स ब्रा का क्या यूज है फिर? स्पोर्ट्स ब्रा भी बहुत अच्छा तरीका है, ये आपके पेन को बहुत हद तक बचाता है और जिनके साइज एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा होता है उनके मूवमेंट्स के लिए भी स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, मैं अभी भी ब्रा के साइज को लेकर कंफ्यूज हूँ। अरे, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, बहुत ही आसान है। अगर आपके ब्रा के कप का साइज ए या बी उससे ज्यादा है, मतलब सी या डी है, तो आपके लिए स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ही अच्छी चीज है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जब आप घर पर हैं या फिर सोते समय अगर आप ब्रा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और, ज्यादातर महिलाएं अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखती हैं, इसी की वजह से ज्यादातर उनका पोस्चर खराब हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर, मैं यहाँ से जाके ये जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और हाँ, आप वर्कआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्कआउट करने से भी शेप बहुत अच्छी रहती है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम।